जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ एकादशी को लेकर। हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकादशी वाले दिन हम सबको नहीं करने चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए, मतलब किसी भी एकादशी के दिन आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, वैसे भी किसी भी एकादशी पर हम सभी जानते हैं कि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, प्रभु नारायण का पूजन करने के बाद श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के वृक्ष को अपना ही रूप बताया है, इसलिए एकादशी के दिन आप पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाइए। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने के साथ साथ आप सुबह के समय और शाम के समय भी घी का दीपक पीपल के वृक्ष के समीप जलाकर जरूर रखिए। ऐसा करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एकादशी पर क्या नहीं करना है आप, आइए बताते हूँ। सबसे पहले तो देखिए, एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बनता है, मतलब उसको जो योनि मिलती है वो रेंगने वाले जानवर की मिलती है। इसीलिए भूल कर भी चावल का सेवन इस दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन घर में कलह कलेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी व्रत हो, लेकिन आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अपने घर के लोगों का दिल दुखा रहे हैं, तो आपकी पूजा पाठ व्रत का कोई फायदा नहीं है। तो क्रोध करने से बचिए, ये बहुत जरूरी है। क्रोध करना यानी कि अपने पुण्य कर्मों को समाप्त करने के बराबर हो जाता है। तो जब भी आप व्रत रखते हैं या कोई भी पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जिस दिन भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करेंगे तो उसका फल नष्ट हो जाता है। एकादशी वाले दिन खास तौर से ऐसा कहा जाता है कि मौन व्रत रखना बहुत उत्तम होता है। मौन व्रत का अर्थ यानी कि जितनी देर आप शांत चित्त से चुप रहेंगे, उतनी देर आप पूरे हृदय और सच्ची भावना के साथ प्रभु से जुड़े रहेंगे। मौन व्रत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब नहीं है। मौन व्रत का मतलब ही यही है कि चाहे आप 10 मिनट मौन रहे, लेकिन उस 10 मिनट की अवधि में आप अपने प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत जरूरी होता है। मौन का अर्थ क्या है? मौन यानी कि मोह से दूर होना। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आपको सिर्फ शांत रहकर सांसारिक मोहजाल से दूर होकर सिर्फ प्रभु वंदना यानी कि प्रभु भक्ति में अपने आप को बिल्कुल लीन कर लेना है। इसीलिए आप आज ही एक नियम बनाइए कि जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं या कोई भी व्रत रखते हैं, तो आप 5 से 10 मिनट का मौन व्रत उसमें जरूर रखिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौन रहकर हम ज्यादा प्रभु में लीन रहेंगे, मोह माया से दूर रह सकते हैं, इससे हमारे पाप कर्म कम हो जाते हैं। पाप कर्मों के फलों का अंत होता ही है और मृत्यु के बाद नारकीय दंड से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मौन रहने को कोशिश पूरी करिए कि जिस दिन भी आप व्रत रखें, थोड़ी देर के लिए मौन जरूर रखिए। ऐसा करने से आपके व्रत का फल दुगना मिलता है आपको। वैसे भी इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से आपके घर में आपकी धन समृद्धि बढ़ने लगती है। इसे करने से आपके आकर्षण में वृद्धि होने लगती है। इसे करने वाला व्यक्ति जीवन में हर जगह यानी कि समाज, परिवार, देश में हर जगह उसे प्रसिद्धि मिलती है। इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए आपको एकादशी वाले दिन? शेविंग नहीं करानी चाहिए, हेयर कट नहीं करना चाहिए, नेल्स नहीं कट कराने चाहिए।
ये कुछ खास चीजें हैं, बच्चों का मुंडन नहीं कराना चाहिए। चाहे आप फर्स्ट टाइम मुंडन करा रहे हैं तो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम है सब चलता है, नहीं, गलती से भी नहीं। आज के दिन ऐसे कार्यों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कुछ फीमेल्स होंगी जो शायद मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगी, लेकिन फीमेल्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी वाले दिन वैक्सिंग, थ्रेडिंग, आप इस चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि जो शरीर पर आपके जो बाल होते हैं ना, सिर के बाल, आपके बॉडी के, ये सारे हेयर्स ना कहीं शनि ग्रह को बिलोंग करते हैं और शनि कर्म फलदाता है। तो कर्म नहीं करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा पुण्य मिलता है, बुरा कर्म करेंगे तो वो आपके बुरे कर्मों की लिस्ट में ऐड होता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब एक बात और कहूँगी जाते जाते, इस दिन व्रत ज़रूर करें, और व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जो नियम मैंने आपको बताए हैं ना, बस इनका पालन करना शुरू कर दीजिए। तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि एकादशी पर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत भागदौड़ वाली लाइफ है, व्रत पूजा पाठ का समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उस व्रत का नियम भी पूरा कर लेंगे तो वो भी व्रत के समान ही होता है। और इसके अलावा आप एकादशी वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को कपड़े वस्त्रों का दान दीजिए, लेकिन दान वही दीजिए जो आपको चाहिए। तो भोजन, अन्न, धन, फल, वस्त्र, इन चार चीजों का दान जरूर करिए। वैसे भी हमारे ठाकुर जी यानी कि कान्हा जी की कृपा से आप सबका घर सुख और सुखद हमेशा बना रहेगा अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि एकादशी का दिन हमारे ठाकुर जी के लिए समर्पित है। ठाकुर जी की पूजा करने वाला कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको अपने दुखों से दूर होने का रास्ता ना मिले। तो अगर आप लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो जो नियम मैंने आपको बताए हैं आप अपनी लाइफ में इनको धीरे धीरे अपनाना शुरू कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती हुई आपको नजर जरूर आएगी। और इसी के साथ में एक लास्ट बात और कहूंगी कि हेड वॉश भी नहीं करना है। नियम की बात कर रही हूँ तो ऐसा कैसे हो जाए कि कुछ भूल जाऊं, भूलने वाली थी पर याद आ गया। तो आप एकादशी वाले दिन सिर भी मत धोइए। जो लोग व्रत रखते हैं वो एक रात पहले ही अपने सिर को धो लेते हैं। तो ये छोटे से नियम हैं जो आपको एकादशी पर जरूर पूरे करने चाहिए। जय माता दी।